साल मेरा अपर फ्लोर खाली है। मुझे पता है, लेकिन मैंने कभी तुम्हें ये बात बताई नहीं कि कहीं तुम माइंड ना कर जाओ। है? बेमिसाल, मेरे घर का जो ऊपर वाला फ्लोर है उस पे कमरा खाली है, तो मैं सोच रही हूँ कि किसी पेइंग गेस्ट को दे देती हूँ। देखो, मुस्तकीम की इनकम रेगुलर तो है नहीं, कम से कम इससे घर के खर्चे तो निकलेंगे ना। डॉली, तुम्हें दानिया याद है? हाँ, वो जो केकड़ों की मालिक है ना। केकड़ों की नहीं, एकड़ों की, एकर्स। उसने अपने घर में एक लड़की को पेइंग गेस्ट रख लिया। अब वो पेइंग गेस्ट उस घर की मालकिन है और वो मालकिन पेइंग गेस्ट। तो फिर ऐसा करते हैं, हम कोई बद्दी सी लड़की रख लेते हैं पेइंग गेस्ट। पर होगी तो लड़की ना। भाई, मैं तो इस पे यकीन रखती हूँ कि खावन को खिलाओ सोने का नवाला, लेकिन देखो शेर की निगाह से, हम किसी ऐसी लड़की को रखेंगे जिसे हमारे मर्द गौर से ना देखे। ऐसी औरत जिसको मर्द गौर से ना देखे, ऐसी तो बस बीवी ही होती है। उस लड़की की आंखें झील जैसी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारे मर्द उसकी आंखों में डूब ना सके। जिसे डूबना होता है ना, वो चुल्लू पर पानी में भी डूब जाता है। और ये लंबी नाक वाली लड़की तो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। क्लियोपेट्रा को ही देखो, अगर उसकी नाक छोटी होती ना तो दुनिया आज से ज्यादा बड़ी होती। सफेद बालों वाली रखते हैं, मच्छर और मर्द दोनों सफेद बालों पर नहीं आते। फिर डन है, अब भी फेसबुक पे एड पोस्ट करते हैं कि एक पेइंग गेस्ट की तलाश है, भद्दी औरतें फौरन अप्लाई करें और खूबसूरत औरतें स्टे अवे। हाय गर्ल्स, पेइंग गेस्ट वाला घर यही है। आपने शायद एड गौर से नहीं पढ़ा, उसमें लिखा हुआ कि खूबसूरत लड़कियों से एडवांस में माजरत, प्लीज गो। अब मैं तो खूबसूरत नहीं, खूबसूरत तो आप हैं। हाँ, मैं हूँ। नहीं, सच बोलती है लड़की। वैसे आपकी शक्ल एक बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस में मिलती है। मिलती होगी, मैंने कभी गुरूर नहीं किया। हाँ, वैसे गर्ल्स, ये आपका अपना घर है? गर्ल्स ही जी, वाकई गर्ल्स लगती है कि हमारा मजाक उड़ा रही है? भाई, मैं तो लगती हूँ, तुम्हारा मुझे पता नहीं। वैसे ये घर है किसका? आपको देखते ही मुझे पता चल गया था, इतना अच्छा घर आप जैसी मॉडर्न लड़की का ही हो सकता है। थैंक यू। घर में कितने लोग रहते हैं? मिया और मेरे हस्बैंड, मेरा मतलब है मैं और मेरे हस्बैंड। मेड है? तो फिर ये कौन है? किचन, किचन कहाँ पर है? किचन, ओ हेलो, हेलो, एक्सक्यूज मी, वेट, हेलो, किचन नहीं, कहाँ जा रही है? हेलो, किचन, ओहो, वैसे आपको अपनी सफाई वाली बदल लेनी चाहिए। वैसे खाना कौन बनाता है? मैं। आप? आप जैसी यंग और मॉडर्न लड़की को तो इटालियन खाने बनाने चाहिए, पिज्जा, लज़ानिया, यू नो। रियली? मुझे जैसी मॉडर्न और यंग गर्ल को इटालियन खाने बनाने चाहिए, मैं सीख लूंगी। गुड, वैसे आपको रखा जा सकता है। अब मेरा मतलब है, पहली बार इतनी यंग, मॉडर्न और अनमैरिड लड़की के घर पे रहने लगी। मुझे अच्छी लग रही, इसको रख लेते हैं। वैसे कितने बच्चे हैं आपके? नहीं है। वेरी गुड। वैसे भी मैं ज्यादा बच्चों वाले घर में रहती नहीं, और हर हफ्ते कौन कौन से मेहमान आ टपकते? हमारे घर मेहमान भी नहीं कोई आते रेगुलर। गुड, वरना ये मेहमानों वाले घर में तुम्हें कभी भी नहीं देते। डॉली, हमने इसका इंटरव्यू करना था ना, तो ऐसा क्यों लग रहा जैसे ये हमारा इंटरव्यू करे? पूछना जरा। हाँ, तुम हमारा इंटरव्यू क्यों कर रही हो? मैं तुम हमारा इंटरव्यू क्यों कर रही हो? मैंने आप क्या शिफ्ट होना है, तो मैं ही इंटरव्यू करूंगी ना। इसकी बात में वजन है। बेब्स, घर की कीज देना। हेलो, जरा संभल कर। आप संभल के तो चल रहा हूँ। ये आपके हस्बैंड है? नहीं, जो भी है मैरिड नहीं लग रहा है। हेलो डॉली, अरे निशा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डॉली, देख रही हो हमारे हस्बैंड्स कैसे लट्टू हुए जा रहे हैं? कल पेंटर्स की इंटरव्यू करें। बेब्स, ये लड़की कौन है? तुम घर चलो, वहां जाके बताती हूँ मैं तुम्हें। अब मैं कल तो शिफ्ट नहीं हो सकती, हो सकता है मैं परसों शिफ्ट हो जाऊं। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हमें यंग गर्ल पेइंग गेस्ट नहीं चाहिए। तो फिर आपको एड में लिखना चाहिए था ना कि आपको पेइंग गेस्ट नहीं, कोई दादी चाहिए। अगर कल तक मैं ना आई तो मेरी तरफ से ना ही समझेगा। ठीक है, जाओ तुम, बाय। आओ आओ, चलो चलो। बस देखिए, यहाँ देखिए, मेरी तरफ देखिए। अस्सलाम वालेकुम, हमारे पेइंग गेस्ट रखने की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। हम आपसे बारी बारी आपकी आंखें, नाक, कान, हाथ, पैर सब चेक करेंगे। अगर आप लोग हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पूरा उतरे तो हम आपको रख लेंगे। अब मैं अंदर जा रही हूँ, बारी बारी आ जाइएगा।
शुक्रिया। भेजवाएं। बड़ी स्मार्ट है। रिजेक्ट। नेक्स्ट बुलाइए। गोल घूम के दिखाओ। बाल। तुम क्लिप क्यों नहीं पहनती? ये वाला पहनोगी तुम? रिजेक्ट। नेक्स्ट बुलाइए। रिजेक्ट। हर एक को तो तुम रिजेक्ट कर रही हो, फिर कौन आएगा? मैं। नेक्स्ट। नहीं, ऐसे कोई भी नहीं आएगा। मैंने भी ऐसा गेटअप किया है कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि मैं वही माही जिसे लेट आने की वजह से हॉस्टल वालों ने निकाल दिया। अब तो हर हाल में पेइंग गेस्ट बनना है। हॉस्पिटल तो नहीं है अब। एक कमरा चाहिए था रहने के लिए। कोई है नहीं साथ। उम्र मेरी 60 साल है, लेकिन लगती काफी यंग हूँ। आंटी, आप कोई काम वाम भी करती है? हाँ, अब मोबाइल कंपनी में। वहाँ मिस्ड कॉल्स करती होंगी आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब सेल्स गर्ल्स को संभालती हूँ। कौन वक्त पे आ रहा है, कौन वक्त पे नहीं आ रहा, इन सब बातों का ध्यान रखती हूँ। और मर्दों से तो मुझे सख्त नफरत है। हमें तो चाहिए तुम जैसी। आपको कौन कौन सी बीमारियाँ हैं? बीमारियाँ सारी बीमारियाँ हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, हरकुन्निसा। इस उम्र में जो जो बीमारियाँ होती है ना, वो सब है अल्लाह की फजलो करम से। वेरी इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। तो आपके लिए तो एम्बुलेंस सारा दिन दरवाजे के बाहर स्टैंड बाय रखनी पड़ेगी, है ना? बिल्कुल। रिजेक्ट। देखिए देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरी उम्र का तो लिहाज करें। अब सुन तो ले, आप सुन ले, कोई तो सुन ले। साली मोटी, अब क्या करूंगी? हाँ डॉली, लग गया। अरे ये क्या, कल भी यही खाना था? नहीं नहीं, कल तो भिंडी मटन बना हुआ था। तो ये भिंडी तो है, लेकिन मटन तो नहीं है ना, सिर्फ भिंडी बनाई है। ओहो, अच्छा वो तुम पेइंग गेस्ट ढूंढ रही थी, कोई मिला? नहीं, आई तो बहुत है, लेकिन आपको पता है हालात इतने खराब हैं, देखभाल के रखना पड़ता है। कोई रेफरेंस वाली मिलेगी तो फिर सोचूंगी। हाँ, बहुत समझदार हो तुम, ये तुमने ठीक कहा, रेफरेंस होना चाहिए। थैंक यू। वो एक एक्ट्रेस है, दूसरे शहर से आई हुई है, जानने वाली है, उसे रख लो। 6 महीने बाद वो मालकिन होगी और मैं पेइंग गेस्ट। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं पेइंग गेस्ट तो रख ली। कौन है वो? वो एक है, 60 साल की खातून है। ठीक है, वो नहीं आई ना तो मैं उस एक्ट्रेस को बुला लूंगा। नहीं नहीं, वो आएगी, चाहे उसकी मिन्नत क्यों ना मुझे करनी पड़े। चा? मेरा मतलब है कि वो आएगी, वो कह रही थी चाहे उसको मेरी मिन्नत क्यों ना करनी पड़े। ये क्या नीचे करो, उसको लग रहा है कोई कौवा मरा हुआ है। जा और लेके आ, जा। कोई है? कोई है? घर वालों, हेलो आंटी, आई एम डॉली, इस घर की मालकिन। ये है मेरी हमसाई और मेरी बेस्ट फ्रेंड बेमिसाल। हाय आंटी। आंटी किसको बोला? हाँ, किसको बोला आंटी? ओह, इसी आंटी को। सुने, आपकी एज ना कम से कम नानी की एज के बराबर होगी, तो आप ही को आंटी कहेंगे ना, और किसे कहेंगे? यू गाइस कैन कॉल मी माही। एक्चुअली आंटी बोलने से ना जरा उम्र ज्यादा लगती है, और तुम लोगों को माही लंबा लग रहा है, तो इसे ब्रीफ कर लो, यू गाइस कैन कॉल मी माँ। नहीं, माँ नहीं, माही हम कहेंगे आपको। वैसे हम बहुत खुश हैं कि हमारे घर पे अब एक बुजुर्ग का साया होगा। जी आंटी, मेरा मतलब है जी, आपको आंटी मिल गई और मुझे तुम लोग। अब ये सारा सामान उठाओ, अब मेरे कमरे में लेके चलो। आपका सामान हम उठा के लेके जाएंगे? हाँ, अब तुम यंग हो, खूबसूरत हो, एनर्जेटिक हो, अब मैं 60 साल की बुढ़िया, ये सारा सामान कैसे? हाँ, क्या तो आप ठीक रही हैं, हम उठा लेंगे, चलो। डॉली डार्लिंग, तू डॉली डार्लिंग, तू भाली भाली शर्मिली सी डॉली डार्लिंग, डॉली डार्लिंग।
लगता है बेमिसाल आ गई। डेट्स में आ गया। ये लक के नाम पे बाबा, दे दे बाबा, अरे बाबा दे, अरे लक के नाम, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, दे दे बाबा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। लगता है मुस्तफीर ने किसी मॉडल को पेइंग गेस्ट रखा हुआ है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। चल भाई अंदर से, मुस्तफीर तुझे बुला रहा है। हाँ मैं आ रहा हूँ। डॉली मेरी कमर में बहुत दर्द हो रही है। हाँ पता है कमर में दर्द किसको नहीं होती, जिसकी कमर ना हो। वैसे भी दर्द होती नहीं, होता है। मर्दों को दर्द होता है और लड़कियों को दर्द होती है। तुम्हारी वो जो पेइंग गेस्ट वाली आंटी, उनका सारा सामान उठा उठा के मेरे कमरे में दर्द शुरू हो गया है। मेरे भी पट्टे दर्द कर रहे हैं। यंग पेइंग गेस्ट रखो तो सर दर्द, बूढ़ी रखो तो कमर दर्द। और फिर ये यंग पेइंग गेस्ट को रख के हस्बैंड्स को कैसे कंट्रोल करेंगे यार। हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो इसको रखा है। और लेडी एक तो ये बेमिसाल जितना तुम्हारे घर में रहते हैं ना, लगता है ये भी कोई पेइंग गेस्ट है। चलो अब तुम आ ही गई हो तो तुम दोनों मेरे साथ मार्केट चलो। क्यों? अरे अब इस उम्र में इतना सारा सामान मुझसे कैसे उठाया जाएगा। तुम दोनों यंग हो, खूबसूरत हो, एनर्जेटिक हो, हा? तो तुम लोग मेरा सामान उठा लो। मैं तो चल रही हूँ। फिर बैठो, बैठो, मैं आती हूँ पर्स लेके। समझ रही है, हम कोई सामान उठाने वाली कुली है? मैं तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं लगती। कौन है? चलो देखिए। तुम इतने हीरो बन के ऊपर क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, वो एक्चुअली मुस्तकीम से मिलने के लिए आया था मैं। मैंने सुना है कि ऊपर वाले कमरे के अंदर कोई गेस्ट आया हुआ है। कौन है? नहीं वो हमारी नई पेइंग गेस्ट है। इतनी हसीन, मेरा मतलब है कि इतना हसीन ख्याल कैसे आया? बेमिसाल मैं उसके साथ मार्केट नहीं जा रही। तो जाना भी नहीं चाहिए, जी भी पेइंग गेस्ट है तुम्हारी, कह रही मेरे साथ मार्केट चलो, मुझे चीजें लेनी है। अमेजिंग। लेकिन बेमिसाल वो इस एरिया में है तो नहीं, ऐसा करते कि अंदेशा को उसके साथ भेज देते। बहुत अच्छा आइडिया है, मैं ले जाता हूँ अगर बेब्स कहे तो। ठीक है ले जाओ। वैसे मैं बिल्कुल नहीं लेकर जाना चाहता था, लेकिन बेब्स कह रही है तो ठीक है ले जाता हूँ। अंदेशा आज तेरा दिन बहुत ही अच्छा है, इतनी हसीन लड़की को तू अपने साथ लेकर जा रहा है और बेब्स खुद तेरे साथ भेज रही है। वाओ। बस जो भी उसने लेना है ना एक बार ले ले, बार बार उसको कोई शॉपिंग पे ले जा नहीं सकता। अरे कोई मसला नहीं है, मैं ले जाऊंगा अगर आप लोग कहें तो। जाओ ना ऊपर, माई को लेकर आओ। मैं लेने जाऊं? जाओ। ओके। कौन है? क्या करती हो तुम बीवी? चलो अभी आगे खामा 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 दिमाग खराब कर दियो इसलिए जाओ। कौन? मैं आपका नेबर। जाओ भाई, नहीं चाहिए न्याज। अरे मैं न्याज देने नहीं आया, आप प्लीज दरवाजा तो खोलिए। एक मिनट। किससे मिलना है? जी यहाँ जो पेइंग गेस्ट रहती हैं, उनको बुला दें। और डॉली ने कहा है कि मैं उनको मार्केट ले जाऊं।
यहाँ पे सिर्फ एक ही पेइंग गेस्ट रहती है और वो हूँ मैं, माही। यू कैन कॉल मी माँ। तुम रुको, मैं पर्स लेके आती हूँ। लगता है दूर की नजर खराब हो गई है मेरी यार। चले से माही के अब्बा, हॉस्टल वालों ने यही पता बताया था ना? हाँ, बताया तो यही था, लेकिन ये हॉस्टल वालों ने उसे निकाला क्यों? मुझे क्या इल्हाम होगा, अभी माही मिलेगी तो पूछ लीजिएगा। आप फिर तो दें, कौन तो आए। जी, किससे मिलना है आपको? वो जो आपकी नई पेंगेस्ट रही है ना माही, उनसे। आप माही की? मैं अम्मी हूँ और ये अब्बू हैं। आप माही की अम्मी और ये अब्बा? ये कैसे हो सकता है? जैसे आप लोग अच्छा मजाक कर लेते हैं। वो आपकी माँ तो हो सकती है, बेटी कैसे होगी? क्या मतलब? आपकी बेटी आपकी उम्र से भी बड़ी है, ये कैसे हो सकता है बताएं? अरे भाई, आपसे बुला दें, हम खुद देख लेंगे। नहीं, लेकिन ये पक्की बात है कि आप माही के अब्बू और आप माही की अम्मी हैं। ओ नहीं भाई, मैं अब्बू हूँ और ये अम्मी है। हाँ, ज्वेलरी तो इन्होंने पहनी हुई है, यही अम्मी होगी। मैं भी आई। मुसीबत है यार, मर गई मैं तो। वो हम पापा को एड्रेस के लिए बताया, मैं गई 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 आंटी। वो नीचे एक मर्द औरत आए हैं, कह रहे हैं वो आपके अम्मी अब्बा हैं। अम्मा अब्बा? नहीं नहीं, वो मेरे अम्मा अब्बा नहीं हो सकते। हाँ, मैंने भी उनको ये कहा, कैसे हो सकते हैं भला? वो एक्चुअली उनकी एक बेटी थी, वो फौत हो गई, तब से वो सिर्फ मुझे अपनी बेटी समझते हैं। अभी तुम देखना, थोड़ी देर में वो तुम्हें भी अपनी बेटी समझेंगे। अच्छा, मैं उनको अभी पागलखाने भेजती हूँ। नहीं आंटी। आंटी? मेरा मतलब है आंटी, आंटी के पास इनको भी, मैं उन्हें समझा बुझा के वापस ले आऊंगी। इधर मैं लेके आऊं? हाँ। पागल नहीं? नहीं। अच्छा। आंटी, किधर हो आप? वो आ गए पागल। क्या मतलब? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। वैसे कहाँ है? मैं बाथरूम में हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में। प्लीज जल्दी आए ना। बैठे बैठे बैठे। नीचे फोन आ रहा है, मैं भी आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, ये हॉस्टल छोड़कर यहाँ क्यों रह रही हो तुम? वो एक्चुअली वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल ठीक नहीं था, और ये दोनों मियां भी बहुत अच्छे हैं, नमाजी, परहेजकार, बल्कि तहज्जुद गुजार हैं। लेकिन बेटा, ये तुम्हें आंटी क्यों कह रही थी? आंटी? आंटी वो एक्चुअली ना इनकी एक बेटी थी आंटी, उस बेचारी की डेथ हो गई, तो ये मुझे भी अपनी बेटी की तरह समझते हैं, इसलिए मुझे प्यार से आंटी बुलाते हैं। लेकिन बेटा, तुम्हें हमें ये बताना चाहिए था ना। अब्बा जी, एक्चुअली वो फोन में बैलेंस नहीं था, और आप दोनों यहाँ क्यों आ गए? वैसे भी इस घर में गेस्ट अलाउ नहीं है। प्लीज यहाँ से जाए। प्लीज प्लीज, उठे उठे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। चलो, एक ग्लास पानी भी। मामा, वो बाद में आएंगी ना नेक्स्ट टाइम। अच्छा, अरे बाय। बेमिसाल, वो जो माही आंटी के रिश्तेदार आए ना, वो एकदम मेंटल हैं, कह रहे हैं कि माही आंटी उनकी बेटी हैं। अब हालांकि वो खुद 50-55 के तो हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? डॉली, माही आंटी के रिश्तेदार, वो रिश्तेदार ही तो पगला गए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि आपकी बेटी गुजर गई। हाँ, यही मैंने कहना था, लेकिन कुछ और कह गई। जी, हम समझ सकते हैं, जवानी में बेटी गुजर जाए तो कितना सदमा होता है।
लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आप बल्कि हमारी बेटी को भी अपनी बेटी समझें, वो आपका बहुत ख्याल रखेगी। आपकी बेटी जिंदा है? पर वो तो मर चुकी है। अरे क्या मतलब है तुम्हारा भाई है? हमारी बेटी जिंदा भी है और अभी हम उससे मिलकर भी आ रहे हैं। लगता दिमाग पे असर हो गया, पागलों वाली बातें कर रही है। अच्छा जी इजाजत। पता नहीं किन पागलों में हमारी बेटी रह रही है। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी आंटी, मेरा मतलब है मैं आंटी सॉरी है। आपको मेरे रिश्तेदारों ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? वो तो उल्टा हमें पागल कह रहे कि हमारी बेटी फौत हुई है। अब पागल खुद को कहाँ पागल समझते हैं, वो तो दूसरों को ही पागल समझते हैं। अब पास होगा तो वो मुझे भी भूल जाते हैं। वो हम अपनी बेटी को पैसे देने भूल गए, आप जरा माही को प्लीज बुला दीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी बेटी आपके सामने है। माही? क्या हमारी बेटी? Dolly darling, Dolly darling.